कैसे दोस्तों, स्वागत है सबको द्वारा आज की एक नई वीडियो पे, जहाँ पे हम बात करेंगे लैपटॉप को बाय करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको काफ़ी ज़रूरी है और आपको जो याद रखने चाहिए। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त जब भी वो लैपटॉप को परचेज करने के बारे में सोचते हैं, उनके बारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि यार मेरे को गेमिंग लैपटॉप चाहिए, कैसा हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ मेरे को किस तरह का लैपटॉप लेना चाहिए, या फिर मैं प्रोग्रामर हूँ मैं कोडिंग वगैरह करता हूँ तो मेरे को किस तरह का लैपटॉप चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपके जितने भी सारे सवाल हैं उनका मैं जवाब देने वाला हूं और आपको ऐसा समझाऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो कभी भी आपको तीसरे बंदे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं गेमिंग के लिए लैपटॉप ले रहा हूं, मैं कौन सा ले रहा हूं, मैं स्टूडेंट हूं मेरे को एक्सेल में काम करने का तो मैं कौन सा लैपटॉप लूं। जस्ट आपको ये वीडियो पूरी देखनी है तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरे याद देख रहे। चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जहां पर अगर बात करें ना लैपटॉप के हर एक पार्ट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कुछ खास ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि उसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए, सीपीयू अच्छा होना चाहिए, उसका ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए और जहां पे उसकी रैम अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ खास पॉइंट होते हैं। सबसे पहले हम जहां पे बात करेंगे, अगर आपको नॉर्मल लैपटॉप परचेस करने का, जस्ट आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, कुछ एक्सेल वगैरह का आपका नॉर्मल काम होता है, या फिर कोई वीडियो कॉलिंग वगैरह आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, जस्ट इस काम के लिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो ऑलमोस्ट जितने भी लैपटॉप होते हैं 30,000-35,000 के अंडर सब में एक्सेल काम करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये सब खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो लोग गेमिंग के लिए परचेस करते हैं, तो गेमिंग के लिए अगर आप लैपटॉप को परचेस करें सबसे पहले आपको ध्यान देना है ग्राफिक कार्ड के ऊपर, उसके बाद आपको ध्यान देना है जहाँ पे सीपीयू के ऊपर, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड है वो जहाँ पे गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्रोग्रामिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए कोई आपको लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा सीपीयू के ऊपर, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा ग्राफिक कार्ड के ऊपर। ग्राफिक कार्ड फिर भी थोड़ा सही होना चाहिए, इतना भी डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां पे सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग या फिर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए तो सबसे पहले आपको सीपीयू के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद आपको जहां पे ग्राफिक कार्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर ये सिंपल बात आपको पता चल जाएंगी कि भाई मेरे को गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो ग्राफिक कार्ड के ऊपर होना चाहिए, और जब भी आप कोई लैपटॉप को परचेस करते हो सबसे पहले उसका ग्राफिक कार्ड देखो, उसका ग्राफिक कार्ड अच्छा है कितना, उसका ग्राफिक कार्ड उसका साइज कितना है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक चीज आती है प्रोसेसर का नेम। बहुत सारे लोगों को ऐसे पूरा प्रोसेसर का नाम नहीं पता था, वो सोचते हैं कि भाई इंटेल का i7 प्रोसेसर है, इंटेल का i6 है, लेकिन उसको पूरी तरह से पता नहीं होता कि भाई ये प्रोसेसर कैसा होता है। सबसे पहले जहां पे बात करें ना, यहां पे प्रोसेसर की अगर आपने देखा होगा उसके आगे लिखा होता है इंटेल कोर ऐसे करके i5, उसके आगे एक नंबर होता है जैसे 10210G CPU, उसके बाद आगे लास्ट में @ करके उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो लिखी होती है, जैसे कितने गीगाहर्ट्ज के ऊपर इसकी हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी जा सकती है। तो सबसे पहले जहां पे मैं आपको बताता हूं जो उसके नीचे जो नाम होता है ना, जैसे लास्ट में आता है 10210 जू, लास्ट में जो जू आता है ना उसका एक मतलब होता है। ये जो जू है इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेसर है ये जू सीरीज का है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बैटरी होती है वो सेव होती है और आपके जो प्रोसेसर होता है वो ज्यादा जहां पे बैटरी को कंज्यूम करता है। बेसिकली इसको यूज किया जाता है जैसे आप कोडिंग वगैरह करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, उनके लिए इसको यूज किया जाता है। इन सब जितने भी लैपटॉप होते हैं जिनके अंदर ये वाला प्रोसेसर लगा होता है, आप ध्यान देंगे जिसके लास्ट में जू आएगा उसकी बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा होता है, आपको 6 घंटे 7 घंटे नॉर्मल 5 घंटे तक उसका बैटरी बैकअप होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो जितने भी लैपटॉप होते हैं गेमिंग के लिए जो प्रोफेशनल लैपटॉप नहीं होते हैं, और इन सब की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो नीचे रहती है, ज्यादा ऊपर प्रोसेसर की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो ऊपर नहीं जाती, जो मैंने आपको लास्ट में बताया जैसे गीगाहर्ट्ज होता है वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाती। उसके बाद जहां पे आता है एच, बहुत सारे आपने लैपटॉप ऐसे देखे होंगे जिसके प्रोसेसर के इंटेल, जैसे इंटेल उसके बाद जनरेशन लिखा होगा लास्ट में नंबर के लास्ट में, वहां पे एच आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी एच वाले नंबर होते हैं, ये जितने भी प्रोसेसर होते हैं, इनकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वे बहुत ज्यादा होती है, ये अपनी पीक के ऊपर पूरी क्लॉक फ्रीक्वेंसी को लेके जाते हैं। इनके ऊपर जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो बहुत हाई यूज किए जाते हैं, ये जितने भी लैपटॉप होते हैं इनको यूज किया जाता है गेमिंग के लिए, और इनकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी ऊपर तक जाती है। और इनमें जो एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपको जो बैटरी बैकअप होता है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसमें कम बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है। और साथ में जहां पे इनको अच्छे तरीके से काम जो तभी करते हैं जब आप इसको चार्जिंग लगा के आप उसके ऊपर काम करोगे, तभी इनका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करो, जहां फिर जहां पे ग्राफिक कार्ड की बात करो, तभी ये पूरी तरह से सही से काम करते हैं। तो जहां पे प्रोसेसर के नंबर के आगे बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट होते हैं, अगर आपको कभी भी परचेस करने का तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं, सबसे पहले आप देखेंगे उसके लास्ट में यू है, एच है, या फिर क्या, फिर उसके बाद इसको आप परचेस करें।
उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी मैं आपको बता देता हूँ, एक जी सीरीज भी होती है, जहाँ पे जी सीरीज का मतलब यही है कि जो सीपीयू है उसके इंटीग्रेटेड ही उसके साथ ग्राफिक कार्ड है, मतलब कि अलग से ग्राफिक कार्ड नहीं है आपके लैपटॉप के अंदर। जो जी जहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा उसका जो अपना प्रोसेसर का जो नंबर है उसके लास्ट में जो जी होगा उसका मतलब यही है कि सीपीयू के साथ ही जहाँ पे ग्राफिक कार्ड को अटैच किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और भी आता है जहाँ पे वाई सीरीज की, जहाँ पे वाई सीरीज की बात करें तो जाए ये बहुत ही जहाँ पे लेजी और सुस्त टाइप के प्रोसेसर होते हैं, इनमें ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, अगर तीन चार चीज़ें आप खो लेते तो भाई ये बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, जिसके लास्ट में वाई होता है। और जहाँ पे इनकी अच्छी बात ये होती है कि भाई इनमें जो बैटरी बैकअप होता है आपको बहुत सही और ज़्यादा लंबा बैटरी बैकअप इसमें आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको इस तरह के लैपटॉप काफ़ी पसंद होते हैं, जैसे टच स्क्रीन हो गया, रोटेटेबल हो गया, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। भाई मेरे को भी इस तरह के बहुत पसंद होते हैं, इसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, पूरी तरह से ये रोटेट हो जाता है और साथ में आपको जो टच भी देखने को मिलता है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं खुद बताऊँ ना, मेरा जो टच लैपटॉप है लेकिन मैंने जब से लिया है ना आई थिंक तीन या फिर चार बार मैंने टच को यूज़ किया होगा, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं करता इसको टच को यूज़ करने का। हाँ फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा अच्छा होता है, जब भी आप अनलॉक करते हो सीधा फिंगरप्रिंट लगाओ आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे भागते हो तो बेटर है इन सब चीज़ों के पीछे मत भागे, आप ध्यान दें जहाँ पे जो मैंने आपको बताया प्रोसेसर के ऊपर ध्यान दें, रैम के ऊपर ध्यान दें और जहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड के ऊपर ध्यान देने का है, तो जितने भी जहाँ पे ये दिखाई जाते हैं ना फालतू की चीज़ें इन सब के पीछे आप मत पड़े। दोस्तों जहाँ पे उसके बाद आता है रैम का पार्ट, बहुत सारे दोस्त ऐसे सोचते हैं कि भाई 8 GB रैम है बहुत सही है, 16 GB रैम हमको लैपटॉप के अंदर देखने को मिल रही है बहुत सही है, या फिर आपने ये सुना होगा DDR3 रैम है, DDR4 रैम है, ऐसा ही कुछ आपने सुना होगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ और होती है, जब भी आप कोई रैम का देखोगे ना पूरा नाम तो उसके लास्ट में लिखा होता है ये कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ऑपरेट करती है, इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना है, आगे लिखा होगा जहाँ पे मेगाहर्ट्ज में ये कि कितने मेगाहर्ट्ज की ये रैम है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मेक श्योर करो कि जो रैम अगर DDR4 है तो उसके लास्ट में कितने मेगाहर्ट्ज के ऊपर इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑपरेट करता है, वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी होगी। तो जहाँ पे आगे जो पार्ट आता है वो आता है स्टोरेज का, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी उतना कंप्यूटर फास्ट होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टोरेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जो लोग जहाँ पे अपना लैपटॉप को परचेस करना चाहते हैं जस्ट फॉर एक्सेल को काम में लेने के लिए या फिर नॉर्मल कोई भी टास्क करने के लिए, तो उनके लिए तो अगर वो हार्ड डिस्क लेते हैं तो वो भी सही है, अगर उनके लैपटॉप के अंदर HDD है तो वो भी सही है, क्योंकि वो नॉर्मल काम के ऊपर भी सही रहेंगे और उनको सस्ता पड़ेगा। अगर जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, जहाँ फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, या फिर आप गेम खेलते हो, तो मेक श्योर करो कि भाई आपके कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप के अंदर SSD ही होनी चाहिए। अगर HDD है तो भाई वो निकाल दे, सेपरेट आप SSD डलवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर SDD होनी चाहिए। और SSD भी दो तरह की आती है, एक होती है जहाँ पे जिसको बोलते हैं साटा, साटा इतनी फास्ट नहीं होती है लेकिन HDD के कंपैरिजन सही होती है। उसके बाद सबसे जो सही होती है वो होती है NVMe, तो ये सबसे सही होती है। अगर तो SSD ले रहे हो NVMe है, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो या फिर आप करते हो जहाँ पे कोडिंग करते हो, गेमिंग खेलते हो, तो ये सबसे बेटर है कि आपके लैपटॉप के अंदर SSD होनी चाहिए NVMe की, तो ये बात का आपको खास ध्यान रखने का है। हाँ थोड़ी ये जहाँ पे बात करें ना थोड़ी ये एक्सपेंसिव होती है, अगर आपको सेम सब कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, 1 TB अगर आपको HDD मिल रही है और 1 TB आपको SSD मिल रही है, और जो जहाँ पे SSD होगी उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर लेते हैं तो आपको 1 TB HDD भी मिलता है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राई करो उसमें भी आपको जो SSD हो वो ही काम करेंगे, क्योंकि SSD जो होती है इसकी स्पीड की बात करो जो HDD के कंपेरिजन ज़्यादा होती है। जब भी आप कॉपी करते हो, स्टोर करते हो, पेस्ट करते हो, मूव करते हो, कुछ भी ऐसे काम करते हो तो जो SSD के अंदर होता है, जिसके कारण जो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों अगर आप HDD को परचेस कर रहे हो तो इसके अंदर भी लास्ट में नंबर होता है जिसको बोलते हैं RPM, जैसे लिखा होगा 7200 RPM, 5500 RPM, तो मेक श्योर करो कि जितना ज़्यादा RPM है आपकी हार्ड डिस्क का उतनी सही है, उतनी स्पीड आपको जहाँ पे सही मिलेंगी, तो बेटर आप SSD ले रहे हैं। अगर आपको SSD नहीं ले रहे तो मेक श्योर करो कि हार्ड डिस्क का जो RPM है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे जो मेन क्वेश्चन है कि भाई हम इसको ऑफलाइन परचेस करें या फिर ऑनलाइन परचेस करें, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी लैपटॉप को जहाँ पे परचेस करे हो तो मेक श्योर करो कि भाई आप उसको ऑफलाइन ही परचेस करो। सबसे पहले आप शॉप के ऊपर जाओ, सबसे पहले जो भी लैपटॉप आप परचेस करे हो एक मेक श्योर करो कि उसका इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले प्राइस देख लो कितना प्राइस है कितना नहीं।
उसके बाद आप उसको परचेस करने के लिए जाओ, तो जहाँ पे देखो कि भाई जो भी काम के लिए आप उसको परचेस कर रहे हो, चाहे गेमिंग के लिए कर रहे हो, या फिर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर आप नॉर्मल काम करने का, वो सब काम उसके ऊपर होता है या फिर नहीं होता है। उसको ग्राफिक कार्ड के बारे में पूछो कि कौन सा इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, उसको प्रोसेसर के बारे में पूछो, प्रोसेसर का जो नंबर मैंने आपको बताया वो भी देखो कौन सा नंबर है, रैम भी देखो कौन सी है, HDD है या फिर रैम देखो उसके अंदर DDR3 है DDR4 है। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क भी देखने का, जो HDD है या फिर SSD है, ये सब जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है ये सब देख के उसके बाद ये परचेस करें। अगर आपने बहुत बार लैपटॉप को परचेस किया फिर भी आप चाहते हो कि ऑनलाइन परचेस करने के बारे में, तो फिर भी एक बार उनके शोरूम में जाए। अगर आप डेल का ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो डेल के शोरूम में जाए, वहाँ उसको थोड़ा चला के देखे कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले, उसके बाद चाहे तो आप उसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई आप लिनोवो का जे वाला मॉडल लो, आप जहाँ पे HP का जे वाला लो, मैंने आपको जो टेक्निकल पैरामीटर होते हैं ना जो सही होते हैं वो आपको बताया, क्योंकि इन फ्यूचर आप खुद ही अभी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे को HP का जो जहाँ पे HP के अंदर जो मेरे को अपना हार्ड डिस्क मिल रहा है वो कौन सा है, दूसरी साइड जो मेरे को डेल के अंदर मिल रहा है वो कौन सा है, प्रोसेसर मेरे को उस पर कौन सा मिल रहा है, अभी इन सब का जो कंपैरिजन है आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझा दिया है, मैंने आपको अपने ऊपर ही पूरा छोड़ा कि भाई आप जे वाला लो, क्योंकि आप अभी खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप में इतनी अभी स्किल्स आ चुकी है। तो बेसिकली इस वीडियो से मेरे को लगता है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कुछ भी आपका सवाल है, कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं लैपटॉप, या फिर कुछ भी आपका कोई भी ऐसा सवाल होगा मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।